ये हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज योर प्रिज्म, है ना। देखो प्रिज्म और ग्लास स्लैब में एक ही डिफरेंस होता है ना, कि जब भी हम वर्ड यूज करते थे ग्लास स्लैब, है ना, तो ग्लास स्लैब में जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस होते थे वो पैरेलल होते थे, कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस आर पैरेलल, कि जिस सरफेस, दो सरफेस से रिफ्लेक्शन होता था वो हमेशा पैरेलल होते थे। जो आपका प्रिज्म होता है ना, इसमें जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं वो नॉन पैरेलल होते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर नॉन पैरेलल, है ना। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है कि जब भी दो ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है जहां पर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पैरेलल होते हैं ग्लास स्लैब बोलते हैं, और जब नॉन पैरेलल होंगे तो चीज क्या होती है, इसलिए आपकी प्रिज्म होती है। आपने पढ़ा कि ग्लास स्लैब से जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है, लेकिन प्रिज्म रे को डेविएट करती है ना। प्रिज्म का पर्पस जो है वो बेसिकली आपका रे को डेविएट करना है। तो पहला टॉपिक यही है कि पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेविएशन ऑफ लाइट, है ना, बाय ए प्रिज्म, है ना, कि जो प्रिज्म लाइट को डेविएट करती है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। बाद में हम डिस्पर्शन पढ़ेंगे, है ना। तो अभी मैं जो लाइट लूंगा वो मोनोक्रोमेटिक होगी, क्योंकि अभी सिर्फ आपको डेविएशन पढ़ना है, बाद में वी स्टडी द डिस्पर्शन आल्सो। ये मुश्किल है ना, बारिश होने की सबसे बड़ी मुश्किल यही है, लाइट चली जाती है यार जब ना तक, नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया, ये आप आ गया, है ना। तो नॉर्मली वी स्टडी द प्रिज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। और प्रिज्म में हम जो चीज पढ़ रहे थे, वी आर स्टडिंग द डेविएशन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, है ना, कि प्रिज्म से जो लाइट का डेविएशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो बेसिकली इसके प्रिज्म का जब आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो प्रिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर को हम ऐसा बना सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी ज्योमेट्री जानते हैं, थोड़ा इनलार्ज फिगर ही बना लो कि भाई ये जस्ट प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन है, अदरवाइज तो ये इसके नंबर ऑफ सर्फेसेस ज्यादा होते हैं। कि इस तरह से कोई भी प्रिज्म है, मे नॉट बी किसी भी तरह का प्रिज्म हो सकता है, इसमें क्या होगी, लाइट इस तरह से एंटर होती है और जब भी ये डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये बैंड हो जाएगी, और बैंड होके ये फिर से आपकी इमर्ज होगी, है ना। तो अल्टीमेटली लाइट क्या होगी, इसलिए आपकी डेविएट होगी, है ना। तो इसमें देखो कि जो दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज हैं, कि देयर इज अ टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, एक आपका रिफ्रैक्टिव सर्फेसेस फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो सबसे पहले जो ज्योमेट्री की बात अगर हम करें, तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस दो सर्फेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके बीच में एंगल को हम बोलते हैं, इसलिए आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कुछ भी हो सकता है, मे बी 90, 60, एनीथिंग, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके बीच का एंगल जो होता है विस कॉलर इज एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। अब आप क्या होता है कि जब भी लाइट यहाँ पे इंटर करेगी इस तरह से, तो कुछ आप यहाँ पे एंगल डिफाइन कर दोगे कि लाइट जिस तरह से इंटर कर रही है, तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 है। आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग एंगल आपका R2 हो गया और ये आपका एंगल E हो गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये स्ट्रक्चर है आपका,
है ना, पाई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कि भाई जिस एंगल में ये लाइट आपकी इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ राइट इमर्जेंस, है ना, कि भाई जिस एंगल से यहां पे लाइट क्या हो रही है बेसिकली आपकी इमर्ज हो रही है, दिस इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस। और आर वन आर टू जो है ये रिफ्रैक्टिंग एंगल होते हैं, ये आपके दोनों सरफेस पे क्या होगा बेसिकली आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां से आप देखो कि सिंगल से हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो 90 माइनस आर वन है प्लस आपका 90 माइनस आर टू है प्लस ए, इस सबका सम 180 डिग्री होगा, इसमें तो कोई डाउट होने नहीं चाहिए आपको, ये सारे एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस आर वन, 90 माइनस आर टू और ए, इस सबका सम 180 डिग्री हो गया, यहां से 90 90 और 180 कैंसिल हो गया। तो पहला रिलेशन ये आ गया कि आर वन एंड आर टू का जो सम होता है ये हमेशा किसके इक्वल होगा, ए के। ये नॉर्मल केस में जैसा मैं डायग्राम यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आर वन आर टू का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, ए के। तो पहला आपने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया कि आर वन आर टू का सम किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्री से ए के। अब एक चीज आ गई कि भाई किसी भी प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, है ना, कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब जस्ट ये हो जाएगा कि टोटल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं हम, डेविएट करेगी वो आपके कितने एंगल से डेविएट करेगी, आपको तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन आपकी ये हो गई और आपकी इमर्जेंट रे की डायरेक्शन आपका ये, तो ये जो एंगल होगा इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविजन। तो जो डेल्टा इसमें है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, इसी को वी कॉल इट एज ए एंगल ऑफ डिविजन, है ना। और ये एंगल ऑफ डिविजन बहुत इजली हम निकाल सकते हैं, आपको पता है कि ऐसे ये आई है और ये आर वन है, तो पहले भी तो रे डेविएट हुई है डेल्टा वन से, है ना, यहाँ पे जो डिविजन हो गया वो डेल्टा वन हो गया फर्स्ट सरफेस पे, भाई ऐसे चली जाती लेकिन अब बैंड हो गया मतलब डेल्टा वन से डेविएट हो गया, अब ऐसे जाती लेकिन अब बैंड होकर इस तरफ चली गई है, ये चीज आपकी डेल्टा टू हो गई है। पहले सरफेस पे डिविजन डेल्टा वन हो गया और सेकेंड सरफेस पे डिविजन क्या हो गया जैसे कि आपका डेल्टा टू हो गया, तो जो टोटल एंगल ऑफ डिविजन होगा ये दोनों सरफेस का सम हो जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब देखो इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल होगा, ये डेल्टा वन और डेल्टा टू का सम जो होगा वो क्या हो जाएगा जैसे कि आपका डेल्टा हो जाएगा, और डेल्टा वन लिखना एकदम आसान है, डेल्टा आई और आर वन का डिफरेंस ही तो है, तो यहां से आपका आ गया आई माइनस आर वन, है ना, और प्लस जो डेल्टा टू है वो ई और आर टू का डिफरेंस है, ई माइनस आर टू आ गया, ये एंगल ऑफ डिविजन आ गया। तो टोटल एंगल ऑफ डिविजन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, है ना, और आर वन प्लस आर टू अभी आपने प्रूफ किया ए के इक्वल है, तो एंगल ऑफ डिविजन का ये फॉर्मूला कि आई प्लस ई माइनस क्या हो गया इसलिए आपका ए आ गया, कि दिस इज नोन एज ए एंगल ऑफ डेविएशन, कितने अमाउंट का प्रिज्म ने क्या प्रोड्यूस किया बेसिकली आपका डेविएशन प्रोड्यूस किया, आई प्लस ई माइनस क्या हो गया बेसिकली आपका ए आ गया। इनफैक्ट आप देखो कि जो ई की वैल्यू है ना ये मटेरियल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करेगी, आप स्नेल्स लॉ वगैरह यूज कर लोगे, इसमें भी स्नेल्स लॉ तो हर जगह पे यूज करना है कि भाई प्रिज्म कोई एक्सेप्शन थोड़ी है, स्नेल्स लॉ हर जगह पे क्या होगा बेसिकली आपका यूज होगा, तो इस केस में भी हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, है ना, कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो हर जगह पे यूज करना ही है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज करके ना ई को भी हम आई के टर्म्स में ला सकते हैं, कि पहले फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें फिर सेकंड पे अप्लाई कर दें, तो यहां से ई और आई में रिलेशन आ जाएगा, तो मतलब अल्टीमेटली डेल्टा एज ए फंक्शन ऑफ आई आ जाएगा, है ना, कि जैसे जैसे हम आई चेंज करेंगे डेल्टा की वैल्यू क्या होगी इसलिए आपकी चेंज होगी, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा लेकिन डेल्टा वर्सेज आई का एक फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि ई को भी हम आई के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आप स्नेल्स लॉ जब अप्लाई करोगे यहाँ पे तो वी कैन सिंपली राइट वन साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर वन फर्स्ट सर्फेस पे, और सेकेंड सर्फेस पे हम लिख सकते हैं वन साइन ई इक्वल टू म्यू साइन आर टू सेकेंड सर्फेस पे, और आर वन आर टू का सम आपको बताया है कि एक इक्वल है, तो सबको यूज करके ई को भी हम ला सकते हैं इसलिए आपके आई के टर्म्स में, तो अल्टीमेटली डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ आई आ गया, है ना। यहीं पे प्रिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वी प्लॉट वन ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, तो वही सबसे मेन चीज है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हम प्लॉट करते हैं कि लैब में अगर हम आई चेंज करें तो डेल्टा भी चेंज होगा, आई को मेजर करते हैं डेल्टा को मेजर करते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, उस पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम यहाँ पे ग्राफ पढ़ते हैं, है ना, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हम इससे पढ़ते हैं, वी स्टडी द यहाँ पे हम पढ़ते हैं ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ डिवीजन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हम पढ़ लेते हैं कि वी स्टडी द ग्राफ बिटवीन, है ना, एंगल ऑफ डिवीजन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ग्राफ आप पढ़ते हैं, है ना, जो कि एक्सपेरिमेंटली हम प्लॉट करते हैं। जब एक्सपो ग्राफ प्लॉट करोगे तो यही आपको मेन समझना है कि अगर वाई एक्सिस के अलोंग में एंगल ऑफ डिवीजन ले लूं और एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लूं तो ये जो ग्राफ होगा एक नॉन सिमेट्रिकल कर्व है, ये आपका डेल्टा हो गया और यहाँ पे हम आई को वेरी करते हैं, तो यहाँ पे जो कर्व होगा इस तरह से एक नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ आ जाएगा हमेशा, और एनी काइंड ऑफ सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल मतलब लेफ्ट और राइट पार्ट सेम नहीं है, थोड़ा और अच्छे से नॉन सिमेट्रिक प्लॉट करते हैं, है ना, कि जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है बल्कि ग्राफ जो होगा ये आपका नॉन सिमेट्रिकल होता है, लाइक दैट, है ना, कि लोएस्ट पॉइंट के अबाउट दोनों चीजें सिमेट्रिकल नहीं है ना। तो अब इस ग्राफ को हम समझते हैं कि भाई जैसे जैसे मैं आई चेंज हो रहा हूँ, पहले तो डेल्टा कम हो रहा है, फिर जब आई बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा और बढ़ रहा है, मतलब एक एक्सट्रीम आ गया कि भाई यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम है ना, कि डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम है और ये जो आई है ये आपका 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या हो गई सकती है आपकी 90 डिग्री। अब इसी ग्राफ को थोड़ा सा आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे क्योंकि बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसी ग्राफ के ऊपर बेस्ड आते हैं। आप देखो डेल्टा मैक्सिमम कब होगा, जब आई की वैल्यू 90 होगी, है ना, इसको हम ग्रेजिंग इंसिडेंस या ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं कि जब आई की वैल्यू क्या हो गई सकती है आपकी 90 डिग्री, क्योंकि किसी भी, और यहाँ पर डेल्टा मिनिमम हो गया कि इस पोजीशन पे डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होगी, कि जो डेल्टा है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, इन दोनों के बीच में कोई भी अगर मैं दूसरा डेल्टा ले लूं तो आप देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, कोई भी डेल्टा ले लेंगे, एक पॉइंट को अगर हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, तो दूसरा पॉइंट जो होगा वो एंगल ऑफ इमरजेंस होता है ना। तो सिंपल से हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहला पॉइंट के फॉर एनी एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन है ना, देयर इज अ टू एंगल्स, किसी भी एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल होते हैं, टू एंगल्स, इफ वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन अदर इज एंगल ऑफ इमरजेंस, then other is angle of emergence, अगर एक इसमें angle of incidence है तो दूसरा क्या हो जाएगा angle of emergence, कि किसी भी delta के लिए दो points आ गए, अगर एक आई है तो दूसरा ई हो जाए, है ना, और and both are interchangeable, and both are interchangeable, है ना, ये आपका important है कि दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे, है ना, कि इसको हम इसलिए इंटरचेंज कर सकते हैं ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे, कि रे की रिवर्सिबिलिटी कंसेप्ट की वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं इसलिए आपका इंटरचेंज। इसका मतलब जस्ट आपका ये हो गया कि यहां पे आप देखो कि अगर ये आई है, कोई भी डेल्टा ले लिया मैंने, तो ये आई है तो ये ई हो गया, मान लो रे उल्टी चली गई, तो इसको अगर मैं उल्टी ऐसे पास कर दूं तो अब ये आई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, तो मतलब किसी भी पेयर के लिए डेल्टा तो सेम ही रहेगा ना, आई और ई तो इंटरचेंजेबल होते हैं, हाँ, तो वही मैंने बोला है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे की वजह से दोनों चीजें इंटरचेंजेबल होती है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अगर आई की वैल्यू एक्स है, यहाँ पे ई की वैल्यू वाई हो जाएगी, अगर इस ई को अगर हम आई बना दें, अगर यहाँ पे आई की वैल्यू हम वाई कर दें, तो आपस में बात है यहाँ पे जो ई होगा वो एक्स हो जाएगा, बात एक ही है कि दोनों चीजें आपस में क्या होते हैं इसलिए आपके इंटरचेंजेबल होते हैं। तो किसी भी डेल्टा के लिए एंगल ऑफ की दो वैल्यूज होती है, एक अगर आई है तो दूसरा क्या होता है ई होता है, एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन, है ना, कि फॉर एनी एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, कि देयर इज ए टू एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन, यहां पे भी आप लगा लेंगे एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन, कि भाई सारे डेविएशन में मिनिमम डेविएशन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन, क्योंकि मिनिमम डेविएशन में तो एक ही वैल्यू है
है ना, इसी को आप आई बोल लो, इसी को ई बोल लो, तो मिनिमम डिविजन की प्रॉपर्टी आ गई कि मिनिमम डिविजन में आई और ई की वैल्यू क्या रहती है, इसलिए आपकी सेम रहती है, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत सारे न्यूमेरिकल एक से एक इस ग्राफ को इंटरप्रेट करके आते हैं, है ना, जिसमें कि ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि फॉर एनी एंगल ऑफ डिविजन एक्सेप्ट मिनिमम डिविजन देयर इज अ टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, देयर इज अ टू एंगल, है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, देयर इज टू एंगल, अगर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है दूसरा क्या होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, जो कि इंटरचेंजेबल होते हैं एक्सेप्ट मिनिमम डिविजन, दोनों में आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ई। तो अब यहीं से हम आ जाते हैं कि भाई जो ग्राफ को अगर हम इंटरप्रेट करें कि ये ग्राफ तो एक्सपेरिमेंटली आता है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, वैसे आप फंक्शन से भी प्लॉट कर सकते थे लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, कि भाई एक्सपेरिमेंटली हम प्लॉट करते हैं इसको, अदरवाइज तो आपका डिविजन का जो फॉर्मूला उससे भी आप कर सकते थे, है ना, कि अरे लाइट की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है ना, कि भाई यहां पे वी प्लॉट एक्सपेरिमेंटली, है ना, ये आपका गया से, तो ये प्लॉट किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो पहला कंडीशन हम यहां पढ़ते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिविजन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, कि भाई किस केस में रे का डिविजन मैक्सिमम होगा। तो ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि जब आई की वैल्यू 90 हो जाए तो मैक्सिमम डिविजन तब होता है व्हेन आई और ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, कि आई और ई में से कोई भी अगर एक 90 डिग्री हो तो उस केस में रे का डिविजन क्या हो जाएगा, इसलिए आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और आई और ई में से किसी भी एक को 90 लेना है तो यहाँ पे डेल्टा मैक्सिमम की जो वैल्यू हो जाएगी वो हम ये ले सकते हैं कि दिस इज द 90 प्लस ई माइनस ए, भाई आई प्लस ई माइनस ए होता है, आई को 90 ले लो चाहे ई को 90 ले लो, बात फर्क नहीं पड़ता है कि भाई ये अगर 90 है इसको अगर आप आई ले रहे हो तो ये आपका ई हो जाएगा, अगर आप इस वाले पॉइंट को ये चीज आपका ई हो जाएगा, अगर इसको हम आई लेंगे तो ये फिर ई हो जाएगा। तो आई और ई में से कोई भी एक चीज 90 होगी तो उस टाइम डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मीन्स उस केस में रे का अगर हम प्लॉट प्लॉट करें आई को 90 लेके तो उसी को हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, कि रे ग्रेज करती हुई जा रही है ना, कि वी कॉल इट एज ए ग्रेजिंग इंसिडेंस। किस तरह से अगर कोई प्रिज्म है ना, और इसमें अगर मैं मैक्सिमम डिविजन की कंडीशन देखूं, कि भाई इस तरह से अगर मैं मैक्सिमम डिविजन की कंडीशन देखूं तो जस्ट आपकी लाइट जो होगी वो ग्रेज करते हुए इंसिडेंट होगी या ग्रेज करते हुए इमर्ज होगी, बातें की है, इसके लॉन्ग लाइफ जाती है ऑलमोस्ट, है ना, इसके बाद आपकी बैंड होगी और ये ऐसे चली जाएगी, है ना। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, टेंस टू 90 वर्ड हम यूज कर लेते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस ऐसा आपका, कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 90 डिग्री हो गया, है ना, यहाँ पे आपका R1 R2 कुछ होगा, यहाँ पे कुछ ई भी होगा, है ना, और इस केस में जो एंगल ऑफ डिविजन होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, आपका डेल्टा मैक्स हो जाएगा, एंगल ऑफ डिविजन विल बी मैक्सिमम। तो एंगल ऑफ डिविजन मैक्सिमम के लिए आई या ई में किसी में एक एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, तभी डिविजन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये तो पहली चीज आ गई, फर्स्ट कंडीशन। हाँ, दूसरा आ गया कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कि भाई किस केस में डेविएशन जो होगा वो मिनिमम होगा। जो नेक्स्ट चीज हम इसमें पढ़ते हैं, वी स्टडी द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ये हम पढ़ लेते हैं, हाँ, कि वी स्टडी सेकंड केस में कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। ओके, मैं शो करता हूं प्रीवियस स्लाइड, देख लो आप इसे।
ठीक है, ये आपका गैस है। तो हम आ जाते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो वही आपने पढ़ लिया कि कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन तभी होगा जब आई और ई की वैल्यू सेम होगी, और आई और ई सेम होंगे तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग आर वन भी आर टू के इक्वल होगा, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ए बाई टू के। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई मिनिमम डेविएशन में आई और ई सेम होते हैं, तो आई और ई सेम होंगे तो स्नेल्स लॉ से आर वन आर टू भी सेम होंगे, और दोनों का सम अगर ए होता है तो आर वन आर टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए बाई टू के। और जो मिनिमम डेविएशन होगी है ना, उसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी टू आई माइनस ए हो जाएगी, है ना, कि जो मिनिमम डेविएशन होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी टू आई माइनस ए। तो ये बहुत ज्यादा यूज होती है ना, क्योंकि इसी डाटा अगर डेल्टा मिनिमम आपको पता है ना, तो वी कैन फाइंड आउट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटीरियल। मतलब इसका पर्पज होता है इसके ग्राफ को बनाने का, इस ग्राफ को बनाने का पर्पज ये है प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना, है ना। तो प्रिज्म के मटेरियल का अगर मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे कि दिस इज साइन आई बाई साइन आर वन हो जाएगा, चाहे साइन ई बाई साइन आर टू ले लो, आप फर्क नहीं पड़ता उससे। अब यहां से आई की वैल्यू आप देखो कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, है ना। इस फॉर्मूले से आई की वैल्यू आपने यहां पुट कर दी, और आर वन की वैल्यू आपको बताइए कि जब भी मिनिमम डेविएशन होगा तो आर वन की वैल्यू ए बाई टू होगी, है ना। तो इस ग्राफ को बनाने का पर्पज ये है, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म तो आपको पता होगा, है ना। इस ग्राफ को प्लॉट करके हम एक्सपेरिमेंटली मिनिमम डेविएशन निकाल लेते हैं, और एक बार अगर मिनिमम डेविएशन आ गया तो कोई भी प्रिज्म है उस मटेरियल के हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से निकाल सकते हैं, है ना। तो पूरा ग्राफ का जो एक्सपेरिमेंट है उसका पर्पज यही है टू फाइंड आउट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। इसमें डेल्टा मिनिमम और ए की वैल्यू पुट करेंगे कि प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपका आ जाएगा, है ना, जो कि साइन आई बाई क्या हो जाएगा, साइन आर वन आ जाएगा, है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज और भी होती है कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में, कि जब रे मिनिमम डेविएशन में होती है ना, तो रे इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, कि जब भी आपकी रे कोई मिनिमम डेविएशन कंडीशन में होगी, इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, है ना, इनसाइड द प्रिज्म, कि प्रिज्म के अंदर जो रे होती है वो बेस के पैरेलल होती है जबकि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होगी। उसमें भी कोई ऐसे सरप्राइजिंग चीज नहीं है, आप सीधे इसको भी कर सकते हो कि भाई ये इस तरह से अगर प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो भी हम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मिनिमम डेविएशन की है ना, तो इस तरह से आपकी रे गई, है ना, और वही बोल रहा हूँ कि इस केस में ये बेस के पैरेलल हो जाएगी यहाँ पे, और इस तरह से फिर एग्जिट हो जाएगी, कि मिनिमम डेविएशन कंडीशन में जो बेस की क्या होती है इसलिए आपके पैरेलल होती है, तो है ही आपका, अगर आर ए बाई टू के इक्वल होगा तो ये पैरेलल टू बेस होगी होगी, है ना, क्योंकि इस केस में आपने बोला आई और ई तो सेम होते हैं, भाई जितना आपका आई होगा उतना ही हो जाएगा, इसलिए मैंने डायग्राम भी ऐसे ही बनाया है ना, कि भाई जिस एंगल से ये इसको बैंड किया है उसी एंगल से फिर से टर्न हो जाएगा, है ना, और ये इनसाइड द प्रिज पैरेलल टू द बेस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये आपका ए बाई टू हो जाएगा, है ना, ये ए बाई टू होगा, तो ऑब्वियस बात है कि इससे ये भी ए बाई टू हो जाएगा, और दोनों में अगर एंगल सेम है तो ये पैरेलल टू द बेस हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर मैं इस तरह से रे को आगे पीछे ले जाऊं तो जो डेविएशन प्रोड्यूस्ड होगा वो मिनिमम होगा, ये आपका आ जाएगा बेसिकली आपका डेल्टा मिनिमम, है ना। तो मिनिमम में ये प्रॉपर्टीज होती है कि ये सारी चीजें होती है, और प्रिज्म के अंदर जो होती है रे जो होती है वो बेस के क्या होती है बेसिकली आपके पैरेलल होती है, तो ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। और सब जो लाइट हम यूज कर रहे हैं ना, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, व्हाइट लाइट तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हम डेविएशन पढ़ रहे हैं, है ना, व्हाइट लाइट में तो फिर डिस्पर्सन भी हो जाएगा, तो डिस्पर्सन तो एक अलग टॉपिक है, आज का टॉपिक सिर्फ आपका डेविएशन है। तो ये सेकंड कंडीशन आ गया। थर्ड बड़ा यूजफुल चीज है एक, है ना, दैट इज द कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, है ना, फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो अगर प्रिज्म से लाइट बाहर नहीं निकल रही है ना, मतलब सेकंड सरफेस पे हमेशा टी आई आर हो रहा है, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब हो जाएगा कि सेकंड सरफेस पे हमेशा क्या होगा बेसिकली आपका टी आई आर हो जाएगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, है ना। तो कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस का मतलब हम जस्ट इसकी बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी प्रिज्म अगर इस तरह से हम प्लॉट कर दें
नो इमरजेंसी की कंडीशन आपकी होगी कि आपके कुछ प्रेजेंस में लाइक दैट है ना, आपका कहना यह है कि किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे यहां से जाए लाइट है ना, इसका जो सेकेंड सर्फेस से हमेशा टी आई आर हो जाएगा, ये इस तरह से बैंड होगी और यहां पे आपका इसका टी आई आर हो जाएगा। तो ये कंडीशन अचीव करने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए है ना, उसी को हम बोलते हैं कंडीशन फॉर। बहुत बार इसको नॉर्मली हम न्यूमेरिकल्स में सीधे यूज भी करते हैं, सेकेंड सर्फेस पे हमेशा टी आई आर हो जाएगा, मतलब हमेशा टी आई आर हो, आई आप कुछ भी रखो भाई, एक पर्टिकुलर आई पे तो टी आई आर हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं आई कोई भी हो जाए, कितना भी ले लें 0 से 90 तक, हमेशा सेकंड सर्फेस पर टी आई आर हो। तो इसके लिए क्या कंडीशन हो ये आपको ध्यान देना होता है। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे पहले हम टी आई आर की कंडीशन लिखते हैं कि भाई यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो आर टू ही तो होता है ना, ये जो चीज होती है यहाँ पे जो एंगल आता है वो आर टू आता है। तो कंडीशन फॉर नो इमरजेंस सबसे पहले ही हो जाएगा कि आर टू की जो मिनिमम वैल्यू है, समझ गए, आर टू की जो मिनिमम वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन है ना क्रिटिकल एंगल, ये होना चाहिए कि भाई आई चेंज करेंगे तो आर टू भी चेंज होगा, आर टू की जो मिनिमम वैल्यू है अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो फिर तो हमेशा क्लियर हो जाएगा ना, कि मतलब मेन कंडीशन आ गया कि आर टू की मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब ये ध्यान देना है कि आर टू की मिनिमम वैल्यू होगी कब, तो आप देखो अगर मैं आई इंक्रीज करूं तो स्नेल्स लॉ से आर वन बढ़ेगा है ना, क्या इंक्रीज करेंगे तो आर वन इंक्रीज होगा, लेकिन अभी आपने पढ़ा कि आर वन आर टू का जो सम होता है, आर टू की वैल्यू तो आपकी ए माइनस आर वन होती है ना, तो आर वन अगर बढ़ेगा तो आर टू की वैल्यू कम होगी है ना, मतलब आई बढ़ाने से आर वन बढ़ता है लेकिन आर टू की वैल्यू क्या होती है, कम होती है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन है ना, और हम बोल रहे हैं आर टू की मिनिमम वैल्यू थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए तभी टी आई आर होगा हमेशा कोई भी आई होगी। तो आप देखो आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है ना, कि आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, कि आई की वैल्यू यहाँ पे जो मैक्सिमम होगी वो क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, और आई की वैल्यू मैक्सिमम अगर 90 होगी तो आर वन भी मैक्सिमम होगा, आई अगर मैक्सिमम है तो आर वन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आर वन की ये क्रिटिकल के इक्वल हो जाएगी है ना, ये जो चीज होगी किसके इक्वल हो जाएगी, क्रिटिकल के, वो तो पता है ही कि भाई एक एंगल अगर 90 हो दूसरा क्रिटिकल ही तो होता है ना, कि अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दें तो हम सिंपल से लिख सकते हैं कि 19 sin 90 इज इक्वल टू म्यू साइन आर वन, तो यहाँ से साइन आर वन की वैल्यू जो आ गई वो 1/μ आ गई, मीन्स आर वन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ गई, तो मतलब आई की मैक्सिमम वैल्यू 90 होती है, आर वन की मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल होती है ना, तो जो आर टू की मिनिमम वैल्यू होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जब आर वन मैक्सिमम होगा तो आर टू मिनिमम होगा, तो आर टू की जो मिनिमम वैल्यू होगी है ना ये आपकी हो जाएगी ए माइनस क्रिटिकल हो जाएगा है ना, कि आर टू की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ए माइनस क्रिटिकल, ये लॉजिक आप समझना कि आई मैक्स 90 होगा तो आर वन मैक्सिमम की वैल्यू क्रिटिकल हो जाएगी, तो आर टू की मिनिमम वैल्यू जो होगी ए माइनस क्रिटिकल होगी, अगर ये मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा है इस सरफेस पे तो हमेशा टी आई आर हो जाएगा, आई आप कुछ भी चेंज करो यहाँ पे, मैक्सिमम के लिए आपने ले लिया है, मिनिमम के लिए अगर टी आई आर हो रहा है तो बाकी एंगल इससे तो ज्यादा ही होंगे, तो ये मेन कंडीशन आ गई। इसी को अगर मैं समराइज कर दूं, पहले आप इसको लिख लो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आर वन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसलिए आपकी क्रिटिकल के इक्वल हो जाएगी, तो आपका थर्ड कंसेप्ट आ गया है ना। तो इसी को मैं फर्दर अगर मैं एक्सपेंड करूं तो मैं ये लिख सकता हूं, तो मैं मेन जो कंडीशन होगी कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कि भाई ऐसा हम कोई प्रिज्म अगर बना दें, अभी आपने पढ़ा कि भाई जो नो इमरजेंस तब होगा जब आर वन टू की मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगी, और आर वन की मिनिमम वैल्यू अभी आपने निकाल लिया कि
R1 की मिनिमम वैल्यू ए माइनस क्रिटिकल होता है ना, तो इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस क्रिटिकल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब ए शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल। तो ऐसा कोई भी प्रिज्म जिसका कि एंगल ऑफ प्रिज्म उसके क्रिटिकल एंगल के ट्वाइस से ज्यादा है उसमें नो इमरजेंस होगा, दिस इज द कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस है ना। तो जो मैंने आपको एक दो ये मतलब कॉन्सेप्ट हम प्रिज्म में जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन यूज कहीं भी कर सकते हैं जहां भी नॉन पैरेलल सरफेस हो, प्रिज्म का मतलब होता है नॉन पैरेलल सरफेस। जैसे मैंने बोला कि ये चीज क्या है ना, अगर कोई रिफ्रेक्शन यहां से हो रहा है तो आप प्रिज्म के सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, इसमें ये सरफेस नॉन पैरेलल है ना, कि दो सरफेस जब नॉन पैरेलल होंगे तो इसको भी हम प्रिज्म बोल लेंगे, तो प्रिज्म के कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जहां भी नॉन पैरेलल सरफेस हो। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन आया था ना कि आपको मैंने होमवर्क में दिया था वो कि भाई इस तरह से कोई सिलेंड्रिकल रॉड है ना, आपसे पूछा गया था कि क्या कंडीशन फुलफिल होगी ताकि इस तरह से रे जाए जो ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है कि भाई किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जाए सेकंड सरफेस से हमेशा टीआईआर होगा, तो बस यही कंडीशन होगी जो आपने पढ़ा है अभी। आप देखो ये एंगल ही तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, इस सरफेस पे रिफ्रेक्शन हो रहा है, इस सरफेस पे रिफ्रेक्शन हो रहा है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, तो इस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 90 डिग्री है ना। तो आपने ये तो बोला है कि एंगल ऑफ प्रिज्म शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ थीटा सी हो जाएगा है ना, तो मतलब यहां से जो थीटा सी की वैल्यू है वो आपकी लेस देन ए बाय टू हो जाएगी, मतलब थीटा सी शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए, इस दोनों तरफ साइन ले लो तो साइन थीटा सी की वैल्यू लेस देन साइन 45 डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा सी 1 बाय म्यू होता है शुड बी लेस देन 1 बाय रूट टू हो जाएगा, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन रूट टू हो जाएगा। तो अगर इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट टू से ज्यादा होगा तो किसी भी एंगल पे रे यहाँ पे स्ट्राइक करें यहाँ से पास नहीं होगी है ना, यहाँ से पास नहीं होगी, वो आपके सॉल्व एग्जाम्पल जो एक होमवर्क क्वेश्चन था वो यही था आपका, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक क्वेश्चन था, तो सीधे हम ये कंडीशन कर सकते हैं है ना, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन क्या हो गया रूट टू आ गया। एक और होमवर्क क्वेश्चन था जो पेज वाला वो भी इसी से होगा, इसने बोला था कि भाई किसी भी इस टेबल के ऊपर अगर हम इस तरह से कोई क्यूब रख दें है ना, तो अगर ये किसी भी साइड से विजिबल नहीं है तो उसके लिए क्या कंडीशन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, तो सेम ही क्वेश्चन है कि यहां से रे जाएगी हमेशा यहाँ पर टीआईआर होना चाहिए, तो इसमें भी ये कि ये जो सर्फेस है ये एंगल अप्रोच 90 डिग्री हो गया, इसका भी सेम आंसर आएगा म्यू शुड बी ग्रेटर देन रूट टू, कि म्यू अगर इसका रूट टू से ज्यादा है तो साइड से हम पेज को देख नहीं पाएंगे क्योंकि रे कहीं से भी जाएगी उसका सेकंड सर्फेस पे क्या हो जाएगा इसलिए आपका टीआईआर होगा। तो दोनों होमवर्क क्वेश्चन जो थे ना उसका ये वन लाइन सॉल्यूशन था फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है ना, उस टाइम एक्चुअली आप टीआईआर के थ्रू कर रहे थे है ना, ये भी तो टीआईआर ही है जो आपने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, इसमें कोई अलग चीज थोड़ी है, तो ये ध्यान रखने की कंडीशन फॉर क्या होती है इसलिए आपकी नो इमरजेंस होती है। है ना, तो ये तीन कंडीशन आपको आना है, मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन एंड कंडीशन फॉर नो इमरजेंस है ना, कि कंडीशन फॉर नो इमरजेंस आता है। और लेकिन वही चीज है, मेन चीज प्रिज्म कोई अलग चीज नहीं है बल्कि आपको स्नेल्स लॉ यूज करना है, इन सारे केसेस में आपको क्या यूज करना है बेसिकली आपका स्नेल्स लॉ। ये कब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं थोड़ा सा, कभी कभी आपसे थ्योरेटिकल पर्पस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं थिन प्रिज्म, तो थोड़ा सा हम थिन प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं है ना, कि डेविएशन थ्रू ए थिन प्रिज्म, ये तो आपने नॉर्मल प्रिज्म से बनाया कि वो प्रिज्म कुछ भी हो सकता है, तो आप जो आपको पढ़ना है वी स्टडी द डेविएशन ऑफ लाइट through a thin prism, through a thin prism है ना, thin prism का मतलब होता है small angle prism, small
एंगल प्रिज्म, कैसा प्रिज्म जिसका कि एंगल बहुत छोटा हो, उसी को हम थिन प्रिज्म बोलते हैं। तो इससे जो डेविएशन का फॉर्मूला है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना। इससे एक्चुअली एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगर हम थिन प्रिज्म की बात करें तो थिन प्रिज्म का मतलब जस्ट ये हो जाएगा कि कोई प्रिज्म हम बहुत थिन बना लेते हैं, ऐसे इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो स्मॉल है, बहुत लाइक दैट, ये थिन प्रिज्म होगा, है ना। तो इससे हम डेविएशन निकालना चाहते हैं। तो इसका जो एंगल होगा, अगर ए एंगल है तो ए इन ऑर्डर ऑफ मे बी आपका 4 डिग्री हो जाएगा, 4 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा होता है तो नॉर्मली इसको हम बोलते हैं थिन प्रिज्म, है ना। तो थिन प्रिज्म से आपको ये निकालना होता है कि ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा किसी भी थिन प्रिज्म से। तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला तो हम वही यूज करेंगे, उसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज हो जाएगा कि डेल्टा की वैल्यू अभी आपने बोली है कि आई प्लस ई माइनस ए होता है ना। लेकिन आई और ई को हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं, हम यहाँ पर ले सकते हैं, जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 1 sin i इक्वल टू म्यू साइन आर वन एंड 1 sin e इमरजेंट रे के लिए इक्वल टू म्यू साइन आर टू। और अगर स्मॉल एंगल है, यहीं पे आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा लोगे कि अगर सारे एंगल में स्मॉल ले लूं, है ना, तो स्मॉल एंगल लगाऊंगा तो साइन आई आई के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये आई हो गया और ये आपका हो गया म्यू इंटू आर वन। इसमें लगाएंगे तो ई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू इंटू आर टू, है ना। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद ये चीज आ गई। अब इसके बाद डेल्टा की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई की जगह पे वी कैन राइट म्यू इंटू आर वन प्लस ई की जगह पे आपका म्यू इंटू आर टू आ गया माइनस ए आ गया। तो अल्टीमेटली म्यू कॉमन आ गया, आर वन प्लस आर टू आ गया माइनस ए आ गया, और आर वन प्लस आर टू ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका ये आ गया म्यू माइनस वन इंटू ए आ गया, ये आपका एंगल ऑफ डिविजन हो गया। भाई किसी भी थिन प्रिज्म से जो एंगल ऑफ डिविजन होगा उसकी वैल्यू आपकी होती है, ये थिन प्रिज्म से जो एंगल ऑफ डिविजन की वैल्यू होती है म्यू माइनस वन इंटू ए। नॉर्मल केस में तो ये फॉर्मूला है, लेकिन जब सब एंगल स्मॉल होंगे तो ये एंगल इसमें रिप्लेस हो जाएगा। तो कई बताओ सर, यहाँ पे हमने साइन आई को आई से रिप्लेस कर दिया, तो सर मतलब आई तो सर कुछ भी हो सकता है ना, मतलब जरूरत थोड़ी छोटा ही हो। वो एक्चुअली क्या है ना, अगर आई हम बहुत ज्यादा बड़ा लेंगे तो सेकंड स्टेप से टीआर हो जाएगा, तो डेविएट लाइट होगी ही नहीं। अच्छा सर ठीक है, ले लिया मैंने आई छोटा लिया, क्योंकि आप थोड़ा ध्यान दो ना कि भाई ए अगर छोटा है तो आर वन तो छोटा होगा ही, क्योंकि आर वन आर टू का सम ही तो ए होता है, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर आर वन छोटा होगा तो आई भी छोटा हो लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर अगर हम आई बड़ा लेंगे तो क्या होगा ना, सेकंड सर्फेस पर टी आर हो जाए, आई की लार्ज सेकंड सर्फेस पर टी आर हो जाए। लेकिन हम तो ये चाहते हैं ना कि रे अगर इस तरह से जा रही है ना, तो ये बाहर निकले रही है यहाँ से, तभी तो एंगल ऑफ डिविजन का मतलब है। अदरवाइज अगर सेकंड सर्फेस पर टी आर हो गया तो हम फिर एंगल ऑफ डिविजन कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से हम केसेस की बात करते हैं, यहाँ से रे बेसिकली आपकी बाहर निकलनी चाहिए ऐसे। अगर सेकंड सर्फेस पे आई की लार्ज वैल्यू के लिए टी आर अगर हो जाए, है ना, तो उसको हम नहीं लेंगे, है ना, तो उस केस में आई स्मॉल ही लेते हैं, है ना। तो ये आपका गया कि अगर एंगल ऑफ डिविजन स्मॉल एंगल अगर प्रिज्म है तो डेल्टा की वैल्यू म्यू माइनस वन इंटू ए होती है। तो कई बार थ्योरेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए हम थिन एंगल प्रिज्म ले लेते हैं, थिन प्रिज्म यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं कुछ भी, है ना। वह डेविएशन म्यू और ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एंगल ऑफ डिविजन है, डिपेंड्स ओनली ऑन द म्यू एंड ए, म्यू और ए के ऊपर सिंपल दोनों चीजें क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। इस फॉर्मूले में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन होगा, है ना। तो इसलिए तो ये ग्राफ ऐसा आ रहा था, जो ग्राफ था कॉम्प्लेक्स इसलिए आ रहा था आपका क्योंकि उसका फंक्शन ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन थिन प्रिज्म के लिए जो चीज है वो जस्ट आपके सिंपल हो जाएगी कि म्यू और ए डिसाइड करेगा कि एंगल ऑफ डिविजन की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो थिन प्रिज्म का थोड़ा सा कंसेप्ट आप ध्यान रखना, वर्ड अगर थिन यूज किया है तो इसी को हम यूज करेंगे, है ना। इस लब से ठीक है, ये आपका गैस है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स टू यू, उसको जरा ट्राई करो, है ना, उसके थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी में तो ये है, मेन चीज है स्नेल्स लॉ। बस एक चीज और था, थोड़ा सा मैं उसको भी बता देता हूँ आपको मैं,
है ना, उसके बाद आते हैं। एक्चुअली वो क्वेश्चन मेरे पास ना एज अ रिटर्न नहीं है, लेकिन मुझे याद है, वो क्वेश्चन मैं एक बार पहले करवा दूं, फिर उसके बाद आता हूं मैं। सर ऑप्टिक्स और कितना रह गया? ऑप्टिक्स बेटा, अभी ऑप्टिक्स में एक चीज रह गई है, लेंस है ना, और दूसरा वो इंस्ट्रूमेंट्स, मान के चलो दो तीन क्लास या चार क्लास इतनी रह गया, बहुत ज्यादा नहीं है। ओके सर। ऑप्टिक्स इतनी रह गया है ना, लेंसेज रह गए, इस प्रिज्म के बाद लेंसेज स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस। ऑप्टिक्स बड़ा होता है थोड़ा सा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना वैसे ऑप्टिक्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, ये तीन चीजें थोड़ी सी टाइम ज्यादा लेती हैं, क्योंकि इसमें टॉपिक्स हैं सारे और सब पढ़ने पड़ते हैं। या पाएगा से वेव ऑप्टिक्स छोटा है, वेव ऑप्टिक्स तो बहुत छोटा है, इनफैक्ट मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत छोटा है। तो उसके बाद के जो टॉपिक्स आते हैं ना 12th के इस लाइन में, इसके बाद में जो आते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, यही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये आपका कैसा? तो जस्ट मैं तो सर टर्म वन का सिलेबस दूसरे वाले सर ही पढ़ाएंगे पूरा? हाँ, वो अभी तो प्लानिंग ऐसी है यार, उसकी क्लास बढ़वा देंगे हम, नहीं उसकी क्लास इंक्रीज कर देंगे हम, है ना, वो सितंबर महीने में। इस पर एक्चुअली अब एग्जाम हो चुका है ना, नीट वगैरह एग्जाम हो चुका है, तो आप क्या है ना, टीचर्स लिटरली जो है फ्री हो जाएंगे, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा क्लास ले सकते हैं, है ना, कि 1 सितंबर को आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा नीट का, है ना, मेंस का भी जो हो गया है वो हो ही गया ऑलमोस्ट, एडवांस भी खत्म हो ही जाएगी, तो फिर आप ही के ऊपर पूरा फोकस रहेगा, है ना। तो देखते हैं अभी, बाकी अभी कोई चीज ऐसे फाइनलाइज नहीं हुई है, देखते हैं किस तरह से उसका प्लान बनाते हैं। फिलहाल तो क्लास इंक्रीज करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो उसको बाइफर्केट करके ही पढ़ा लेंगे, है ना, एज पर रिक्वायरमेंट। सर आपके पास टेस्ट प्लानर है? अगर हो तो सर टेस्ट आपको अगर प्लानर आपको ग्रुप में शेयर नहीं किया क्या उन्होंने? सर टेस्ट प्लानर शेयर नहीं किया, बस वो पर्टिकुलर टेस्ट शेयर कर दीजिए मंडे को होगा। अच्छा, मंडे को किस चीज का टेस्ट है आपका? सर इलेक्ट्रोस्टैट्स है, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चलो फिजिक्स में लेफ्ट अच्छा, ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा आपको, मैं क्योंकि अगर उन्होंने शेयर नहीं किया है ना तो फिर मैं भी शेयर नहीं कर सकता ग्रुप में आपको, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, जिसको चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। साइड। काफ़ी टेस्ट हैं आपके, कैपेसिटेंस वगैरह के, कैपेसिटेंस भी है, वेव्स का भी टेस्ट आ रहा है आपका, मैकेनिकल वेव का, है ना, मैकेनिकल वेव का भी टेस्ट होगा, जैसे SHM हुआ था ना वैसे मैकेनिकल वेव का भी टेस्ट है। तो एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा आपको, जिसको भी टेस्ट का प्लानर चाहिए मेजर टेस्ट तक का, है ना, बाकी वो शेयर करते होंगे ये आपका कैसे। तो बाकी आप चिंता नहीं करो, मतलब वी हैव, हमारे पास प्लान है, जैसा भी होगा सुटेबल जो चीज़ें होंगी विल इम्प्लीमेंटेड, उसकी आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। सेप्टेम्बर मंथ में सारी चीज़ें मैं, है ना, सितंबर मंथ से सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, है ना, अभी जस्ट हम वेट कर रहे हैं, वही थोड़ा सा एडवांस्ड और नीट का लोड है, जैसे खत्म खत्म हुआ ना प्रोग्राम फिर आप ही के ऊपर फोकस रहेगा पूरा, फिर तो आप ही एग्जाम देने वाले बच गए, वो तो सीनियर बैच आपका चला गया फिर, तो है ना, तो फिर उसके आपके ऊपर फोकस करेंगे। चलो तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जस्ट आपके प्रेजेंट का, ये पहले आप वो कर लो, फिर तब तक मैं देखता हूँ उनसे। चलो मैं शेयर करता हूँ क्वेश्चन, एक पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर उसके ऊपर आते हैं। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ सही है भव्या। हाँ भव्या आपका मैसेज मुझे मिल गया था बेटा, आपने मुझे बोला भी था, तो डोंट वरी हम करेंगे उसे, है ना। सही है आपका कंसर्न, मुझे पता है, लेकिन उसको नेक्स्ट मंथ से विल इम्प्लीमेंट। पीयूष झा, भव्या, अंकुश, योर आपके आंसर सही है। एकाग, योर आंसर इज करेक्ट। अर्पित, सही है आपका आंसर। है ना एकाग, सही आपका आंसर बेटा, जो आपने भेजा है दैट आंसर इज करेक्ट। यथार्थ, सही आपका आंसर। ठीक है, इसमें तो कुछ मुझे ऐसा बताने की जरूरत है ही नहीं, है ना। निहाल रावत, सही है, इसमें तो कुछ सीधे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, या तो आता है या नहीं आता है, है ना। तो अभी तो आपने पढ़ा कि म्यू की वैल्यू क्या होती है, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू, है ना। तो सब कुछ दिया हुआ, इससे रूट टू की वैल्यू आ जाएगी, है ना। किससे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके लिए आपकी रूट टू आ जाएगी, है ना। किससे वैल्यू इसकी रूट टू आ जाएगी, है ना। तो सीधे इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सही है यथार्थ, भव्या, अदिति जोशी, योर आंसर सर करेक्ट। अब्दुल्ला, योर आंसर इज करेक्ट। पीयूष झा, लक्ष्य अग्रवाल, सही है। हाँ सही है, इसमें तो भी कोई मुझे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। अर्पित, सही है आपका आंसर। अंकुश, सही है, हाँ भाई सीधे इसमें ही फॉर्मूला यूज करना आपने। कार्तिकेय त्यागी, योर आंसर इज करेक्ट। भाई अभी आपने पढ़ा कि भाई थिन प्रिज्म तो है ही, एंगल प्रिज्म से लग रही है, तो थिन प्रिज्म का जो डेल्टा होता है म्यू माइनस वन इंटू ये होता है। डेल्टा सिक्स डिग्री है, म्यू तो निकालना है आपको, और ये थ्री डिग्री है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आपकी थ्री बाई टू हो जाएगी, है ना। जस्ट वो कि आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है या नहीं है, उसके लिए क्वेश्चन था। अब मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इससे म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, इसलिए आपकी थ्री बाई टू आ गई। चलो ओके, यू कैन गो फॉर दिस। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ही,
हाँ अर्पित सही आपका आंसर। हाँ अब्दुल्ला योर आंसर इज करेक्ट, आदिति योर आंसर इज करेक्ट। एकाग सही आंसर है। सही सही आंसर है सबका, है ना। तो जस्ट इसमें कुछ नहीं, डायग्राम ही तो बनाना होता है और स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो, डायग्राम एंड स्नेल्स लॉ से ही सॉल्व हो जाएगा ये। तो इसको जब सॉल्व अगर आपको करना है तो जस्ट हम इस तरह से कर सकते हैं इसे। भाई ये आपका कोई प्रिज्म है ना, इसने एंगल जो दिया वो 30 डिग्री बोला हुआ है ना, तो इस तरह से रे गई और सेकेंड सर्फेस इसका पॉलिश है तो सेकेंड सरफेस पे 90 पे हिट करनी चाहिए इसे, है ना, तभी तो ऐसा होगा। हाँ अंकुश सही आपका आंसर, सेकेंड सरफेस पे ये कैसे हिट करनी चाहिए बेसिकली आपके 90 पे, क्योंकि ये सरफेस इसने बोला है कि ये वाले सरफेस इसकी पॉलिश है ना, एज अ मिरर बिहेव कर रहा है, तो रे इस तरह से जाएगी बैंड होगी और बैंड होके यहाँ पे 90 पे हिट करेगी तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, है ना। तो अगर ये एंगल 90 है और ये एंगल 30 डिग्री है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी 30 डिग्री हो गया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना है, यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 1 sin i इज इक्वल टू आपका म्यू रूट 2 sin 30, तो यहाँ से आपका 1/√2 आ गया, मीन्स यहाँ से i की वैल्यू जो आ गई वो 45 डिग्री आ गई। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 45 डिग्री होगा तो ये अपने पाथ को क्या करेगा, बेसिकली आपका रिट्रेस करेगा, अपने पाथ को रिट्रेस करने के लिए एंगल आपका आ गया। जस्ट आपको स्नेल्स लॉ यूज करना है ना, कि अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इसमें स्नेल्स लॉ यूज करना है, ये आपका 45 डिग्री आ गया। नेक्स्ट सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैं भी करवाता हूं पहले एक थोड़ा सा ग्राफ। हाँ ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करो,
आंसर अभी किसी का सही नहीं आ रहा है। पॉसिबल वैल्यू एग्जैक्ट होगा नहीं होगा पता नहीं है, पॉसिबल क्या है ये पूछ रहा है, जब बाकी इम्पॉसिबल होंगे एक ही पॉसिबल होगा। हाँ अर्पित योर आंसर इज करेक्ट। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है होते हैं उसमें से एक है ये, एक ही अभी आंसर सही आया है ना, इसका जो आंसर करेक्ट है वो चेक करता हूँ मैं फिर बताता हूँ। देखो क्या है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए ना तो जस्ट आप ग्राफ बना लो, ये ग्राफ से ही सॉल्व होते हैं और कोई इसका तरीका नहीं है। तो भाई एंगल ऑफ डिविजन का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ जो ग्राफ का नेचर होता है वो तो हर केस में सेम ही रहेगा, कि आप डेल्टा वर्सेज आई का ग्राफ बना लो, इसी से चीज सॉल्व होगी। डेल्टा वर्सेस आई का आपने ऐसे ग्राफ बना लिया, नॉन सिमेट्रिकल ऐसे ग्राफ बन गया आपका। अब आप देखो कि जब आई की वैल्यू 53 थी तो ई 37 डिग्री था, मतलब यहाँ पे कोई भी अगर डेल्टा होगा दो पॉइंट पे कट कर रहा होगा, है ना। अगर ये आई की वैल्यू यहाँ पे 53 डिग्री है ना, तो जो आपका यहाँ पे जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो 37 डिग्री, एक तो इसका मतलब हो गया कोई डेल्टा वन है अभी डेविएशन, है ना। इसने बोला है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को 50 कर दें, 50 करने का मतलब यहाँ पे कहीं पे आ गए हम, 53 से आपने 50 कर दिया, है ना। तो अब आपका ये ग्राफ अब यहाँ पे कट करेगा, तो ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंस आ गया, ई आ गया कि अगर इसको 53 से 50 आप इधर ले जाओगे तो ये चीज राइटवर्ड जाएगी। तो एक बात तो पक्की हो गई यहां से यहां से एक ही बात पक्की हो गई कि जो E की वैल्यू होगी दिस इज ग्रेटर देन 37 डिग्री, कि भाई 37 से ही ज्यादा होगा तो मतलब 35 नहीं हो सकता। पहली बात 35 तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो भी E होगा दिस विल बी मोर देन 37 डिग्री, लेकिन 37 से ज्यादा तो ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन है, और तीनों में से कौन सा करेंगे। तो उसके लिए आप डेल्टा देखो कि भाई ऐसे करने पे डेल्टा कम भी तो हुआ है। हाँ निहाल रहा हो तब आपका आंसर सही है। आप देखो डेल्टा वन पहले था, जब आपने ऐसा किया तो आप डेल्टा टू हो गया, तो एक रिलेशन ये भी तो हो गया कि जो डेल्टा टू होगा दिस इज लेस देन डेल्टा वन हो गया। हाँ डेल्टा टू की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ कि डेल्टा टू हो जाएगा आई, आई डेल्टा टू में 50 है प्लस ई माइनस ए शुड बी लेस देन डेल्टा वन। डेल्टा वन में आई की वैल्यू जो है वो है 53, E की वैल्यू 37 डिग्री है, माइनस ही आ गया है ना। तो यहां से E की एक और कंडीशन आ जाएगी, यहां से E की आपकी एक और कंडीशन आ जाएगी। आप देखो यहां से माइनस है और ये तो कैंसिल ही हो गया है ना, तो क्या आपका E की एक और कंडीशन जो आ रही है ना, क्या रहा बेटा बताओ जरा सा, E की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ रही है आपकी, E इज लेस देन 40 डिग्री। हाँ E इज लेस देन 40 डिग्री आ गया आपका, बस हो गया। हाँ यहाँ 50 है ना, तो ये लेस देन 40 डिग्री आ गया, तो 37 से ज्यादा होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए,
37 से ज्यादा और 40 से कम एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 38 डिग्री आ जाएगा। तो ग्राफ ही तो इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रिज्म का मतलब ही ये ग्राफ है ना, कि प्रिज्म का जो मतलब ही है वो ग्राफ है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, है ना। तो ये आपका 38 डिग्री आ गया, पॉसिबल बोल रहा है ना, मतलब इसके बीच में 37 और 40 के बीच में 38 के बजाय ये कोई 39 भी हो सकता था, है ना, लेकिन उसकी बात कर रहा है, 39 भी हो सकता था। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है बेस्ड ऑन द मीन, इसके अलावा दूसरी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन द ग्राफ, है ना, ग्राफ ही इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो डी ऑप्शन है भव्य बेटा, ऐसे है देखो, मैंने ये बोला कि भाई कभी डेविएशन, सपोज अब आई की वैल्यू आपने बोला है एक एंगल 53 डिग्री है, तो 53 मार्क कर दिया, एंगल एमर्जेंस 37 डिग्री है, तो कुछ डेल्टा वन हो जाएगा। अब अगर आप आई को 50 करोगे, यहाँ पे ये पॉइंट कट करेगा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो डेल्टा टू का नीचे आ जाएगा ना, और ये पॉइंट यहाँ कट करेगा, तो मतलब जो भी ई की वैल्यू होगी वो 37 से तो ज़्यादा होगी, तो मतलब 35 नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो सकते हैं, तो इससे बात नहीं बनेगी, तीन ऑप्शन में एक ही ऑप्शन चूज करना आपने। तो फिर आपने बोला डेल्टा वन डेल्टा टू में क्या रिलेशन है, तो डेल्टा टू की वैल्यू डेल्टा वन से कम है, तो डेल्टा टू में आई 50 था, ई तो पता नहीं था, ए हो गया, डेल्टा वन में ये 53 37 था, माइनस ए आ गया, तो यहाँ से ई लेस देन 40 प्रूफ हो गया, मतलब जो भी ई होगा 37 से ज़्यादा और 40 से कम होना चाहिए, तो 40 से कम मतलब ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन डी ऑप्शन सही आ गया, है ना, डी फॉर डेली ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना, कि डी फॉर डेली ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हाँ, तो ये हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था आपका ये। सर इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो फिर हम कैसे पता करेंगे, जैसे वो नहीं होता है, वो फिर म्यू, फिर म्यू दिया होना चाहिए था आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए था और इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तब हम सेट वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी होगी। यस, हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना, कि कुछ ना कुछ आपको वो निकालना, तो कुछ और इंफॉर्मेशन देता तब वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछता, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं, पहले मैंने शो किया था उसे, हाँ ये क्वेश्चन, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, आप वो ट्राई मत करो इसे, आप इसमें क्या दिया हुआ है, जस्ट मुझे एज ए थ्योरेटिकली इसको पढ़ाना पड़ता है, कि जैसे आपने पढ़ा था ना कि किसी मिरर के सामने अगर हम स्लैब रख दें तो उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं अपरेंट शिफ्ट से, इस शिफ्ट निकाल के कहाँ इमेज बनेगा हम निकाल लेते हैं, वैसे अगर हम यहाँ पे किसी मिरर के सामने कोई थिन प्रिज्म रख दें और कोई ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पूछा हुआ है, ये पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, मतलब पहले रेज प्रिज्म से पास होंगी, फिर कॉनकेव मिरर पे जाएंगी, फिर कॉनकेव मिरर जो उसकी इमेज बनाएगा वही बताना है, वापस से प्रिज्म नहीं डालना है, इसने बोला ना आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर से वापस प्रिज्म में ले आना है, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, प्रिज्म टू बी थिन एंड स्मॉल इन साइज और प्रिज्म एंगल 2 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, है ना। तो आप ध्यान रखना कि क्या होगा इस क्वेश्चन में, कि इस थिन प्रिज्म का काम क्या होगा, ये रे को ना डेविएट कर देगा, और थिन प्रिज्म से जो एंगल ऑफ डेविएशन, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है कि अगर ऑब्जेक्ट कोई ऑरिजिन पर रखा हुआ है तो इसके इमेज के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो पहला तो आप सबसे पहले निकालोगे कि डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन थिन प्रिज्म से कितना होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए, है ना, कि थिन प्रिज्म से डेविएशन की वैल्यू इंटू क्या होता है, ए होता है, तो यहां से डेल्टा की वैल्यू निकाल लो, तो म्यू इसने दिया हुआ है 3/2 माइनस और ये आपका 2 डिग्री हो गया, तो इससे सॉल्व करके एंगल ऑफ डेविएशन 1 डिग्री आ गया, मतलब ये 1 डिग्री से रे को डेविएट कर देगा सारी रे जो इससे पास होंगी किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो मैं ले लेता हूँ सबसे सिंपल चीज ये वाली रे, इसी से आपका काम चल जाएगा, इसको इसने 1 डिग्री से डेविएट कर दिया, है ना, ऐसी और भी रेज होंगी लेकिन मैं एक ही ले लेता हूँ कि इसने इसको 1 डिग्री से क्या कर दिया, थिन प्रिज्म में डेविएट कर दिया, कोई और रे होगी उसको भी 1 डिग्री से डेविएट कर देगा, तो क्या होगा ना कि अब मिरर के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि इस रे को हम पीछे प्रोसीड करेंगे, तो ओ की इमेज जो ओ डैश बनेगी वो एज ए ऑब्जेक्ट होगा,
कि इस तरह से अगर रे जा रही है इसको इसने डेविएट कर दिया तो मिरर के रिस्पेक्ट में तो आपको पता है कि ये कहीं यहां से आ रही है ना ओडेस से, तो अब ओडेस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ओडेस अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ओडेस अब पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ओडेस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ हाइट है, इसलिए तो कॉर्डिनेट पूछ रहा है, तो एक्स एंड वाई कॉर्डिनेट दोनों होंगे, है ना। तो एक्स कॉर्डिनेट निकालना तो एकदम आसान है कि एक्स कॉर्डिनेट जब मैं निकालूंगा तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला यूज कर लूंगा, 1/v + 1/u = 1/r। तो v तो मुझे निकालना है ना, u की वैल्यू आपको पता है ये o और o डैश, o के ऊपर ही तो o डैश बन गया, तो u तो आपकी -25 हो जाएगी और इसका फोकल लेंथ 1/-30 होगी, है ना। तो इससे इमेज का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना, इससे इमेज का क्या आ जाएगा, इसलिए आपका x कोऑर्डिनेट, ये जो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर आ जाएगा, v की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी 150 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपने निकाल लिया कि जो v की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसलिए आपकी 150 सेंटीमीटर, और v पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब जो भी इमेज बनेगी इस तरह से रिफ्लेक्ट होके ये आपकी 150 सेंटीमीटर पीछे बन जाएगी, है ना, कि कहाँ बन जाएगी, इसलिए आपकी 150 सेंटीमीटर पीछे ऐसे, है ना। मतलब इसको अगर हम पीछे ले जाएं कहीं पे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा ये देखना पड़ेगा, हाँ कट नहीं करेगा, बल्कि इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बन रही है आई, क्योंकि अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऊपर नीचे बन सकती है। तो ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया कि ये डिस्टेंस जो होगी 150 सेंटीमीटर होगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट इमेज का होगा वो तो ऑरिजिन से मेजर करेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका जो होगा वो 25 + 150 हो जाएगा, मतलब ये 175 सेंटीमीटर आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो आपने 175 सेंटीमीटर निकाल दिया। अब मेन चीज है ये जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा वर्चुअल इमेज का, कोई वाई कोऑर्डिनेट के बारे में मुझे आइडिया दे सकता है कि कैसे निकालूंगा मैं किसी भी इमेज का वाई कोऑर्डिनेट, हम कैसे निकालते हैं, मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन से निकालेंगे, है ना, कि वाई कोऑर्डिनेट मतलब हाइट ऑफ द इमेज ही तो होगा, तो यहां से आपको पता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट = हो जाएगा -v/u। तो माइनस वी की वैल्यू तो आपने 150 ले ली है और u जो था वो -25 था, है ना, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू +6 हो जाएगी, इसलिए इरेक्ट का इमेज भी इरेक्टिव बन रहा है क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। अब हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगा 6 टाइम ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए ही तो एंगल ऑफ डिविजन आपने निकाला है कि भाई ये अगर 1 डिग्री है ये वाला एंगल भी तो 1 डिग्री होगा, yes. है ना, और ये चीज अगर 5 सेंटीमीटर है तो हाइट निकाल लेंगे हम कितनी हो जाएगी। मैं लिखूंगा यहाँ पे कि जो 1 डिग्री है थीटा की वैल्यू कुछ ले लें अगर हम, तो थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई आपका 5। और आपको पता है अब ये थीटा 1 डिग्री नहीं लेना है, इसको रेडियन में लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्मॉल एंगल लिया ना अपने, टेन थीटा इज्कवल टू थीटा ले लिया है, भाई टेन थीटा इज्कवल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई 5 आ गया, और टेन थीटा इज्कवल टू थीटा लिया तो टेन 1 डिग्री इज्कवल टू 1 डिग्री नहीं होगा, 1 नहीं होगा बल्कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये जो थीटा हो जाएगा ये पाई बाई 180 हो जाएगा, इज्कवल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई 5 आ गया। तो यहाँ से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू आ गई है ना कितनी आ गई, आप देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू पाई बाई 36 सेंटीमीटर, हाँ तो ये आप आ गया। अब इस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पुट कर दो, हाइट ऑफ द इमेज जो होगी वो पाई बाई 6 सेंटीमीटर, तो एक्स कोऑर्डिनेट इतना आ गया, वाई कोऑर्डिनेट आपका पाई बाई 6 सेंटीमीटर आ गया। तो प्रिज्म अगर कोई थिन रख दें तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, आपने डेविएशन सबसे पहले निकाल लिया, डेविएशन से सेकंड स्टेप कि आपने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल लिया, बाकी तो मिरर का केस ही है, मिरर से वी निकाल लिया, मैग्निफिकेशन निकाल लिया, हाइट ऑफ द इमेज भी आ गया। ये ध्यान रखना कि किस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन को हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, ये आपने कर दिया इस तरह से, दिस वी कैन सॉल्व इट। सर इसमें तो हमारी वर्चुअल इमेज बन रही थी, अगर हमारे रियल इमेज बनेगी तो हम दोबारा मतलब रिफ्रैक्ट करेंगे प्रिज्म से या स्मॉल साइज में? दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे, मतलब okay, तो बोला था कि भाई खाली मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनाओगे तो अब फिर से प्रिज्म से जाएगा तो अब ये ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, तो फिर से प्रिज्म डेविएट कर देगी उसे, उससे भी इमेज बन जाएगी। सर वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि प्रिज्म का साइज लिखा है ना बहुत स्मॉल है, तो हाँ साइज स्मॉल कुछ भी हो रेस तो पैराक्सियल ही है ना, हम तो बड़ा बनाते हैं काफी, पैराक्सियल रेज हमेशा किसी ऑपरेटर को एस्केप नहीं कर सकती, वो हमेशा क्लोज ही होती है, जो भी रेज हम पैराक्सियल ही ले रहे हैं वापस वो प्रिज्म से पास होगी होगी, मतलब इसमें ऐसा नहीं सोच सकते कि अब रे ऐसे चली गई एस्केप करके, वो इससे पास होगी होगी, तो सिंपलिसिटी के लिए हम दो दूर बनाते हैं चलिए उसको मैं शो करता हूँ। वेट फॉर अ मिनट, हाँ एक ही क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान दो, बहुत सारे राइट एंगल प्रिज्म का ये कॉम्बिनेशन है, तो ये ऐसे जा रही थी, मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंट था, ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया, कैसे रे जाके है ना यहां से भी ऐसी बाहर निकल गई, तो अगर ऐसा होगा तो म्यू में क्या रिलेशन होना चाहिए ये पूछा इसने।
चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप इसको ट्राई करना घर पे, है ना। देखो क्या होगा कि यहाँ पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ है ना, यहाँ पे आपका कुछ आर से चला जाएगा ऐसे, है ना। अगर यहाँ पे जो एंगल होगा वो आप कोई ले लो कि यहाँ पे एंगल सपोज कोई आपका आ गया थीटा वन, है ना। कितना एंगल थीटा वन है मुझे नहीं पता है, तो अगर ये थीटा वन होगा तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा वन हो जाएगा। बस यही चीज आपको सोचना है और कुछ भी नहीं सोचना है कि यहाँ पे अगर थीटा वन है तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा वन हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म इसने 90 दिया हुआ। तो आर वन प्लस आर टू की वैल्यू ये होती है। बस इस नया स्लो अप्लाई करते रहो कि जैसे फर्स्ट सरफेस में अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं 1 sin 90 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू 1 sin θ1, है ना। अब सेकंड सरफेस में जब अप्लाई करूंगा तो अब ये एंगल कुछ चेंज हो जाएगा ना, मे बी थीटा टू हो जाएगा ये एंगल। तो जब सेकंड सरफेस में अप्लाई करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा म्यू 1 sin 90 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू 2 sin θ2। होप यू अंडरस्टैंड, मैंने इन दोनों सरफेस पे लगा दिया कि म्यू 1 sin 90 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 sin θ2 आ गया। ऐसे हम लगाते जाएंगे, थर्ड पे लगाएंगे तो थर्ड की इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी, है ना। कि थर्ड की जो इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे इस जगह पे आप लगा दोगे फिर से आपका, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा म्यू 2 sin, है ना, आपका 90 माइनस थीटा 2 आ गया ये वाला एंगल, है ना। और यहाँ पे कोई थीटा 3 एंगल आ जाएगा, म्यू 3 sin θ3 आ गया, है ना। तो ये थर्ड में आ गया, फोर्थ पे आ जाएंगे हम इसमें, तो फोर्थ पे आ जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा म्यू 3 sin 90 माइनस थीटा 3 आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया म्यू 4 sin θ4, हाँ, कि म्यू 4 इंटू क्या हो गया, इसलिए आपका साइन थीटा 4 आ गया। तो हम नॉर्मली पहले से पास कर गए, सेकंड से पास कर गए, थर्ड से पास कर गए, अब फोर्थ पे हम आ गए इस वाले सरफेस पे, तो फोर्थ पे आपका ये हो जाएगा म्यू 4 sin 90 माइनस थीटा 4, और यहाँ पे थीटा 5 आ जाएगा कोई एंगल, है ना। ये आपका हो जाएगा म्यू 5 sin θ5। अब लास्ट वाले पे आ गए, लास्ट वाले पे तो ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल तो हो जाएगा बेसिकली आपका म्यू 5 sin 90 माइनस θ5 इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 आ गया, 1 sin 90 आ गया। ये बहुत सारी इक्वेशन आपके आ गए, अब इसी को ऐड कर देना स्क्वायर करके आप, है ना, इसी को हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म होगा वो आपका हर जगह 1 हो जाएगा ना, है ना। कि थोड़ा सा इधर उधर करके करना आप इसे, मैंने जैसा लिखा है वैसे मत करो आप, कि थोड़ा सा इधर उधर करके आप ऐड करना, जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा 1 है और कॉस थीटा 1 है तो इसका स्क्वायर करके एडिशन 1 हो जाएगा। इस चीज को इधर ले जाओ आप इस तरह से और ऐड कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, ऐसे थीटा 3 वाला 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से सारे करते जाओगे तो आपका 1 1 आते जाएंगे, सिर्फ म्यू के बीच में रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो उससे आप सॉल्व करो, तो उससे सॉल्व करके यू विल बी गेटिंग द सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये क्या होगा, बेसिकली आपका रिलेशन होगा, है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसको थोड़ा सा देखो, है ना। तो आज के लिए इतनी काफी है, लेट्स ऑल फॉर टुडे, है ना भाई। सर इंसिडेंट और इमिडेंट रे के लिए डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्या स्नेल्स लॉ? नहीं लगा सकते ना बेटा, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये पैरेलल सरफेस नहीं है ना। डायरेक्ट हम तब लगा सर लॉ जब सर्फेसेज ऐसे पैरेलल होते हैं, नॉन पैरेलल में थोड़ी लगा सकते हैं। इस तरह सर्फेसेस पैरेलल होते हैं तो सीधे लगा सकते थे, तो इसमें हम नहीं लगा सकते ऐसे, है ना। स्नेल्स लॉ जो है सर लगा सकते हैं, इसमें पैरेलल सर्फेस होंगे तभी हम सीधे लगा सकते हैं। तो 1 by 1 करके हर सर्फेस पे आपने लगा लिया और थोड़ा सा स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके थीटा वाला टर्म सारे हटा दिए तो म्यू का रिलेशन आ जाएगा, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, है ना। तो आज के लिए इतनी काफी है। तो इसका जो डिस्पर्सन है ना, ये एक्चुअली अभी हम नहीं पढ़ते हैं, डिस्पर्सन वो लेंस कंप्लीट होने के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि लेंस में भी डिस्पर्सन का कुछ कंसेप्ट होता है, है ना। तो कल की क्लास में विल स्टार्ट द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस,
कल से कर्व सरफेस स्टार्ट सर कल क्लास होगी क्यों क्लास कल क्यों नहीं होगी क्या खास बात है रक्षाबंधन है सर इसलिए पूछ रहा था सर रक्षाबंधन है बाहर जाना था इसलिए पूछ रहा था और पेस आप जानते नहीं हो पेस में कोई छुट्टी उट्टी होती है कितने दिन से पता नहीं सर मैंने लास्ट टाइम तो रक्षाबंधन के बाद ज्वाइन किया था ना पेस हाँ ना 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 पेस में कोई छुट्टी नहीं होती दिवाली के अलावा दिवाली और होली के अलावा यहाँ कोई दिवाली होली और न्यू ईयर तीन ही छुट्टी होती है पेस में दिवाली में होती है होली में होती है न्यू ईयर में होती है उसके अलावा कोई छुट्टी क्लासेस भी सुबह रख रखी है शाम की होती है ये आप बता नहीं सकते देखो ये सब अब मुंबई से टाइम टेबल वगैरह आता है ये हमारे हाथ में है ही नहीं बाकी देखते हैं है ना तो कल स्फेरिकल सर्फेस पढ़ेंगे दरअसल ओके बाय बाय।